ओके बच्चों, इन लिंग्विस्टिक्स जो है ये इट इज अवर थर्ड लेक्चर। जैसे आप लोगों ने मुझे अभी रिमाइंडर दिया है, फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बुनियादी चीजें देखी थी, माइक्रो और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स भी देख ली है, प्रॉपर लिंग्विस्टिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या हम देख चुके हैं। आज हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इसका हेडिंग दिया है तारिक रहमान ने, लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर्स के अंदर। इस चैप्टर से मैंने कुछ सिलेक्शन कर रखी हुई है ताकि आप लोगों के साथ मिलके वो मैं डिस्कस कर लूंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने कवर किए। इसमें काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कुछ नया सीखने को हमें मिल सकता है, ऑल्दो हमने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी ही क्यों ना हो। अच्छा, इन्होंने हिस्ट्री को देखा है कि लिंग्विस्टिक्स की तारीख को थोड़ा सा, कि कहाँ से ये स्टार्ट होती है। लेकिन अपने ये चैप्टर का स्टार्ट करते हैं कि एवरी सोसाइटी एंड इंडीड ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल। अच्छा, यहाँ पे एक और ध्यान में रखिएगा, ये इसकी जो कि मेरे पास हार्ड अच्छी कॉपी नहीं, सॉरी सॉफ्ट अच्छी कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो ये आप फोकस कीजिएगा आवाज के ऊपर सारा, और नोट कीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ही स्टार्टेड द सेकंड चैप्टर विद दीज वर्ड्स, एवरी सोसाइटी एंड इंडीड ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल हैज मिथ्स अबाउट लैंग्वेज। कहते लैंग्वेज के बारे में हमारी में जितने भी इसके ओरिजिन के बारे में स्पेशली वो मिथ्स हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज क्रिएटेड बाय द गॉड और द गॉड्स, जैसे हिंदुओं के यहाँ है कि सरस्वती ने ये लैंग्वेज स्टार्ट की, या क्रिश्चियनिटी में या और दूसरे मजाहब में है कि गॉड ने गिफ्ट किया है ह्यूमैनिटी को। बट प्रॉब्लम इन मिथ्स में ये है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इन चीज़ों का। बेशक हम इन्हें तो मान तो सकते हैं, बिलीफ में तो ये आ सकता है, बिलीफ सिस्टम के साथ ये रिलेटेड हो सकता है, लेकिन हम किसी को साबित नहीं कर सकते इन चीज़ों को। बिकॉज दे रेम दे बिलीव दे रिमेन इन द रेम ऑफ द बिलीव ऑफ द फेथ सिस्टम। कल्चरल स्पेसिफिक है ये सारी चीजें। इन ऑर्डर टू परसू साइंटिफिक लिंग्विस्टिक्स वी शुड एम एट यूनिवर्सैलिटी, यानी आवर रिजल्ट शुड बी वैलिड फॉर द होल वर्ल्ड एंड द ऑब्जेक्टिविटी, कि एवरी वन शुड रीजनेबली बिलीव अवर कंक्लूजन, यानी सब लोग उसको ना सिर्फ मान लें बल्कि हमारे पास एविडेंस भी होना चाहिए। यानी यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये साइंस की क्वालिटीज हैं। ये दो ना हो तो फिर आपकी बात को वैल्यू नहीं मिलेगी। तारिक रहमान ने जो बुक मेंशन की है जिससे वो कह रहे हैं कि मैंने डाटा लिया आप इस चैप्टर को फॉर्म करने के लिए, दैट इज रिटन बाय द गाय डुशर ऑन एवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेज, 2005 में उन्होंने लिखी थी। लेकिन ये अब ना भी याद करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इसके आगे जो उन्होंने दिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Duché argued that the human language have a complex structure that it was not crafted by the some genius or a committee of genius in a short time. और दूसरी, अगर आप ये समझते हैं कि ये जो जबान है ये किसी एक ने बैठ के तैयार की होगी और उसके बाद सारे लोग बोलना शुरू हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ना ये किसी कमेटी ने बनाई है, किसी ग्रुप ऑफ जीनियस ने भी नहीं ये डिवाइस किया। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो नेचुरल फोर्सेस, बड़े लंबे अरसे तक इंसानों ने ये लैंग्वेज जो है ना वो अडॉप्ट की है, इसमें स्किल्स हासिल की हैं, जो आज लैंग्वेज जिस लेवल पे है इसके पीछे हजारों सालों की मेहनत है, कि एक दिन का ये काम नहीं है, और नेचुरल फोर्सेस ने इसको डेवलप किया है स्टेप बाय स्टेप। सो अगर ये तो किया, लेकिन समटाइम हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर सारे इंसानों की फिर कोई ना कोई पहली जबान तो रही होगी, चाहे इसे गॉड ने दिया हो, चाहे इसे किसी देवता ने दिया हो, चाहे किसी ने भी बनाई हो, या इंसानों ने ग्रेजुअली सीखी हो, तब भी कहीं ना कहीं तो इंसानों के ग्रुप में कोई पहली लैंग्वेज रही होगी। तो फिर पहली लैंग्वेज क्या है? इफ लैंग्वेज अरोज विद होमोसेपियंस, होमोसेपियन इंसानों की आ जाते हैं, सेपियन का मतलब होता है वाइज, वैसे हम अपने बारे में जा रहे हैं एग्जैजरेटेड व्यू रखते हैं, देन इट वॉज बोर्न अबाउट 150,000 ईयर्स ago, probably in Africa. अगर आप इसके स्टार्ट की तरफ जाते हैं, साइंटिफिक स्टार्ट की तरफ, तो इंसान आपको पता है अफ्रीका में पैदा हुआ है साइंस के मुताबिक, और अफ्रीका से वो पूरी दुनिया पे फैल गया। तो अफ्रीका में इन 1.5 लाख साल पहले जबान स्टार्ट हुई होमो सेपियंस ने की। होमो और भी थे, इंसान याद रखना और भी थे साइंस के मुताबिक, बहुत से टाइप के इंसान थे, एक सेपियन था उनमें, और हम लोग सेपियंस की नस्ल है, यानी वाइज था एक, जो अक्ल और दिमाग और इमेजिनेशन यूज करता था, उसी ने लैंग्वेज सीखी। और एक थ्योरी ये है कि बहुत अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ जो कम्युनिकेशन थी, अगर लैंग्वेज नहीं थी पूरी तरह, तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे सामने आता है
दैट वर जेस्चर्स, ठीक है। तो इंसान जो है ना, एक तहकीक के मुताबिक इशारों की जबान से बात किया करते थे, जब प्रॉपर ये साउंड पैटर्न से बात कम्युनिकेट नहीं हो पाती है। Another question which people ask is whether there is a natural or original language of humanity. क्योंकि कोई बुनियादी original language हमारी फिर कौन सी है? The brief answer is that we do not know whether there is any such thing. हमें बिल्कुल नहीं खबर, क्योंकि इसके बारे में इतनी दूर हम नहीं पीछे जा सकते कि उस टाइम पर तो कोई रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है। If there is, we do not know which one it was or is. People have carried out cruel experiments to find out what this language is. तजर्बे हो चुके हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि काफी सारे तजर्बात हो चुके हैं कि आखिर वो पहली लैंग्वेज क्या हो सकती है या नेचुरल लैंग्वेज क्या होगी। कि लोगों ने सोचा कि अगर किसी बच्चे को कोई भी जबान ना सिखाई जाए तो ऑटोमेटिकली उसे जो जबान बोलनी चाहिए वो इसकी फितरी जबान हो, पर इसके लिए कहते हैं कि फिरौन जो है उसने, रामसेस ने भी तजुर्बात किए और उसमें भी क्या हुआ कि बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला, म्यूट था बच्चा। और एक और यहाँ पे एशिया में भी तजुर्बा हो चुका है इसके ऊपर। इट इज सेड दैट किंग अकबर, मुगल किंग अकबर, पुट चिल्ड्रन इन ए हाउस वेयर ओनली पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग लॉस सर्वड देम। बच्चों को रखा गया पैदा होने के फौरन बाद और उनको वही लोग सर्व कर रहे थे जो बोलना नहीं जानते थे, बहरे और गूंगे थे। तो जाहिर उन्हें तो कुछ बोलना ही नहीं था, उनको कभी उन्हें जबान सुनी नहीं थी तो वो बोल ही नहीं सकते थे, वो उनकी देखभाल कर रहे थे। तो ये जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये बच्चे जो जबान बोलेंगे ना तो वो इंसान की पहली कुदरती जबान हो। They were not allowed to hear any human being talking. These children could not speak when they grew up. अब नतीजा क्या निकला, वो कुछ भी नहीं बोलते थे। Children brought up by wolves and other animals called feral children do not know any human language but do try to make sounds of the animals. जिनको animals के साथ रख के तजुर्बा किया गया वो wolves और other animals की ही आवाज निकालते थे। इसका मतलब है जो आप सुनते हैं वही आप बोलते हैं। In short, human beings probably do not have any original or the natural language. They merely learn the language which they hear around them. ये तो पहली लैंग्वेज के हवाले से या नेचुरल लैंग्वेज की तलाश के बारे में जॉर्ज यूल ने मेंशन किया है, रामसेस का एक्सपेरिमेंट, और तारिक रहमान मेंशन कर रहे हैं किंग अकबर का एक्सपेरिमेंट जो मैंने इसी बुक में पहली बार पढ़ा। अब नेक्स्ट वो जो क्वेश्चन हमें हमारे से शेयर करता है कि अगर तो ठीक है फिर इतनी ज्यादा जबानें हैं, जैसे मैंने पिछले दिनों आपको बताया भी था कि 6,000 से ज्यादा 7,000 के करीब करीब लैंग्वेजेस हैं दुनिया के अंदर, तो क्या कुछ जबानें अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कोई स्वीट हैं, कोई नहीं स्वीट हैं, क्या ये वाकई फर्क है या सारी जबानें बराबर हैं। अब इस कंसेप्ट को डिस्कस करता है। ये भी कहता है कि दैट अनदर मिथ इज दैट सम लैंग्वेजेस आर स्वीट व्हाइल अदर्स आर रफ। क्या ये बात ठीक है या सोचने वाली ये मिथ है। लैंग्वेज लिंग्विस्ट डू नॉट क्लासिफाई लैंग्वेजेस इन दिस मैनर बिकॉज स्वीट एंड द रफ आर सब्जेक्टिव आइडियाज। लिंग्विस्ट कहते हैं जो इसमें साइंसदान समझ लें इसके हैं जो लैंग्वेज के खास तौर पे जो रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, तो उनका ख्याल है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये जस्ट मिथ है और कुछ भी नहीं, ये सब्जेक्टिव आपकी जजमेंट होती है। ऑब्वियसली जिस जबान से आपको प्यार होगा, मोहब्बत होगी, जिसमें आप पैदा हुए हैं, जिसको जानते हैं, वही आपके लिए स्वीट होगी ना। मुझे अगर चाइनीज नहीं आती तो मैं उसे स्वीट कहाँ से सुन सकता हूँ कि वो स्वीट है, या अफ्रीकन लैंग्वेज मुझे नहीं आती तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, और लेकिन जो वो बोलते हैं उनके लिए तो बहुत अजीज होगी। मोस्ट पीपल ऑल्सो एग्री ऑन कॉलिंग सम लैंग्वेजेस सुपीरियर एंड अदर इन्फीरियर। ये भी बात ठीक नहीं है। कुछ लोग स्वीट और रफ की क्लासिफिकेशन करते हैं, बाइंड्री बनाते हैं, तो कुछ लोग बाइंड्री बनाते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर। They say that one language is more logical and has more words than other, which lacks these characteristics. Modern linguists hold the view that all languages are equal. लेकिन modern linguists क्या कह रहे हैं? सारी ज़बानें बिल्कुल बराबर होते हैं. None is superior to another. This does not mean that the sum of them are not better suited for a certain function. हाँ, कुछ better हो सकती हैं, लेकिन वो function के इत्तबार से हैं. वो दूसरी भी बनाई जा सकती है. ये ह्यूमन एफर्ट है ना किसी जबान को अब उसके ज्यादा बेहतर फंक्शन के अतबार से यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश
is better suited for space research or computers than a language which does not have the technical terms for such kind of works. This, however, is functional suitability, nor structural superiority. ठीक है, फंक्शनल सूटेबिलिटी के एतबार से कुछ लैंग्वेज बेटर हो सकती है, जैसे इंग्लिश। अब पंजाबी में अगर आप कंप्यूटर जानने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मुश्किलात आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाबी कोई बुरी जबान है, ठीक है, या पंजाबी कोई इन्फीरियर लैंग्वेज है और इंग्लिश बड़ी सुपीरियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों जबानें बराबर हैं। हम कहेंगे कि फंक्शन के एतबार से ज्यादा सूटेबल है इंग्लिश, क्योंकि उसे बना दिया गया, उसमें टर्मिनोलॉजी मौजूद है। तो इन्फीरियर और सुपीरियर की जी बाइनरी भी बिल्कुल गलत है और ये भी एक मिथ है। तो ऑथर क्या कर रहा है इसमें, तारिक रहमान जो डिफरेंट मिथ्स की बात कर रहा है, इसके ओरिजिन के बारे में उसने कहा मिथ, और इसके बारे में ये स्वीट और रफ के बारे में जो डिवीजन है इसको भी, और सुपीरियर इन्फीरियर होने के बारे में। इट मे बी ट्रू दैट सर्टेन साउंड आर द पैटर्न ऑफ द स्ट्रेस मे साउंड म्यूजिकल आर द प्लीजिंग टू एवरी वन, बट नो साइंटिफिक रिसर्च हैज प्रूव्ड that any language is objectively sweet or beautiful for all human beings. यानी जब रिसर्च में ये बात बिल्कुल साबित नहीं हुई है कि ऑब्जेक्टिवली लैंग्वेज स्वीट है। हाँ, म्यूजिकल क्वालिटी के अतबार से ये भी सब्जेक्टिव है, क्या आपको वो म्यूजिक अच्छा लगेगा। Thus, there are no scientific grounds for saying that any language is intrinsically, यानी structurally, inferior or superior to any other language. As for functional suitability, any language can be changed to perform any function. हम उसे बना सकते हैं, हम चाहें तो पंजाबी को भी इस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि ये इंग्लिश का मुकाबला कर सके। एक जमाने में इंग्लिश किसी काम की नहीं थी। अभी हम हिस्ट्री में लिटरेचर देख रहे हैं कि लोग लैटिन में लिखना प्रीफर करते थे, फिर फ्रेंच में लिखना प्रीफर करते थे, और इंग्लिश तो घटिया जबान समझी जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने फिर कितनी मेहनत की और आज उसको इस लेवल पर लेके आए हैं कि आज लैटिन और में तो कोई भी नहीं लिखता, कोई अंग्रेज अब लैटिन में नहीं लिखता, सारे लोग इंग्लिश में लिखते। So if we want Punjabi to be used for sophisticated scientific research, we can invent or borrow words to express new meanings. That is what the speakers of the English did. And that is what all language planners do everywhere when they want to use language for science and technology. Okay, so ye ek effort ka naam hai jiski madad se aap cheezon ko behtar functional ke aitbar se kam zyada kar sakte hain. Why then do people hold such strong myths about language? फिर लोग ये क्यों समझते हैं आखिर कि एक ज़बान अच्छी है बुरी है और ऐसा क्यों? In general, these myths are expression of their views about the world. If they look down upon someone or certain culture, they also tend to look down upon that person or culture's language. ये concept असल में cultural है. In South Asia, city dwellers look down upon villagers. हमारे यहाँ ये culture है कि हम villagers को इतना अच्छा नहीं समझते, खासतौर पर जो शहरों में लोग रहते हैं। Thus they also look down upon villagers' languages. They regard them as inferior and even assert the view that they do not have a grammar. As you know, it is impossible to speak a language if its speakers do not have grammatical rules in their minds. Villagers do have the grammar of their languages in their minds, but it may be it may not be a written grammar. It may be unwritten, not because it is inferior, because villagers neither have power nor money, and without these things one cannot promote one's language or publish books in it. So this is a matter of money and power, ki kiski zuban likhi jayegi aur kiski zuban zyada boli jayegi. This is matter of money and the power and politics. इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाबी कोई बुरी जबान है या सराय की बुरी जबान है या पश्तो बुरी जबान है या इंग्लिश बहुत अच्छी जबान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे फर्क सूटेबिलिटी के अतबार से, कुछ जबानें ज्यादा सूटेबल बना दी गई हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये बेहतर है। तो अगर हम देखें तो लैंग्वेज इन एंटीक्विटी नेक्स्ट जो है वो टॉपिक लेता है ऑथर। Most Western works on the history of the linguistics begin from Plato. अगर हम linguistics पे काम को देखें कि कहाँ से ये start होता है, क्योंकि हम history को देख रहे हैं, तो पहला काम जो है ना वो Plato से हम start करते हैं। Plato ने linguistics पर पहला काम किया, okay? Plato आपको पता है 427 से 347 BC में इसका time है। However, it was in South Asia, to be precise, somewhere around Taxila,
in modern Pakistan that the Sanskritic grammarian Panini lived between the 7th and the 5th century BC. लेकिन उससे भी पहले काम हो चुका है. वो लोग खैर वेस्टर्न ट्रेडिशन में तो प्लेटो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक और रिसर्च के मुताबिक टेक्सला में एक लिंग्विस्ट रहता था जो संस्कृत लैंग्वेज में का ग्रामेरियन था. ही वाज लिंग्विस्ट था, ग्रामेरियन पनीनी, पी ए एन आई एन आई, पनीनी में इसको प्रोनाउंस करो, मे बी रॉन्ग भी हो सकती है. लिव्ड बिटवीन द 7th एंड द 5th सेंचुरी अर्लियर देन द प्लेटो. सो प्लेटो से भी पहले पाकिस्तान के एक इलाके टेक्सला में एक लिंग्विस्ट था. ये आपके यकीनन एक नई बात होगी क्योंकि हम समझते हैं कि प्लेटो ने ही पहला काम किया. देयर माइट हैव बीन लिंग्विस्ट इवन अर्लियर देन पनीनी, बट देयर इज नो नॉन रिटन वर्क लेफ्ट बिहाइंड. कोई लिखा हुआ काम नहीं मिला इस वजह से. हो सकता है उससे पहले भी कोई लिंग्विस्ट रहे हो, लेकिन हमारे पास जो रिटन रिकॉर्ड है इसके मुताबिक, क्योंकि पनीनी हाउएवर लेफ्ट बिहाइंड 4000 सूत्रास, यानी वर्सेस को सूत्रास कहा जाता है, ऑन संस्कृत. संस्कृत में इसमें लिखा और इसकी किताब मौजूद है, इज 8 बुक्स. ओके, आष्टाध्याय जो है ये इसकी बुक है या मजमुआ है किताबों का. आष्टाध्याय बाय पनीनी कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द संस्कृत ग्रामर. इसने संस्कृत ग्रामर के ऊपर लिखा है. यहाँ पर बहुत पुरानी किताब है. पनीनी मे बी सेड टू बी द पायनियर ऑफ द फोनेटिक्स बिकॉज ही टेल्स अस हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड वेयर द टंग मूव्स इन द माउथ. अंदाजा लगाएं प्लेटो से भी बहुत पहले पनीनी नाम का एक लिंग्विस्ट टेक्सला में बैठकर, टेक्सला यूनिवर्सिटी आपको याद होगा, आप में से शायद कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ, इन्होंने विजिट भी किया हुआ है वहाँ पे, मंडी बाउद्दीन कैंपस में हम गए थे यहाँ पे देखने के लिए. वहाँ पे बैठ के पनीनी प्लेटो से भी काफ़ी पहले ये बता रहा है कि टंग कैसे मूव करती है और लफ्ज़ कैसे पैदा होते हैं. ही वॉज फर्स्ट फोनेटिक एक्सपर्ट, फोनेटिशियन, इज अ पायनियर इन द फोनेटिक्स फील्ड, यानी ग्रामर में आगे फोनेटिक्स में वो पायनियर था. पनीनी आष्टाध्याय प्लेटो से भी बहुत पहले. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रामर एंड द हिस्ट्री ऑफ द ग्रामर. हु वाज द फर्स्ट ऑथर ऑफ, फर्स्ट ग्रामेरियन कौन है, फर्स्ट लिंग्विस्ट. अगर तारीख में जाएं तो वेस्टर्न लिटरेचर तो हमें बताता है कि वो प्लेटो ने पहली बुक लिखी थी इस लिंग्विस्टिक के ऊपर या ग्रामर के ऊपर. शुरू में ग्रामर ही को लिंग्विस्टिक समझा जाता था, लेकिन अब नई खोज से पता चला है कि पनीनी नाम का एक शख्स आष्टाध्याय बुक लिखी इसने, और ये टेक्सला में बैठ के उसने लिखी थी और फोनेटिक्स का एक्सपर्ट था. प्लेटो द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर वाज मोर इंटरेस्टेड इन सिमेंटिक्स देन फोनेटिक्स. अगर हम उससे अगली बुक की तरफ जाएं तो वो तो फिर डेफिनेटली प्लेटो की बनेगी, और प्लेटो हमें पता चलता है कि पनीनी जो है वो फोनेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड था कि लफ्ज पैदा कैसे करते हैं, हम अल्फाज को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, यानी फोनेटिक्स को और फोनोलॉजी में काम कर रहा था. जबकि जो प्लेटो है ही वॉज इंटरेस्टेड इन सीमेंटिक्स रादर देन फोनेटिक्स. इन हिज बुक क्रेटाइलस, अब ये जो बुक है क्रेटाइलस, पनीनी की बुक के बाद ये बुक आपने याद रखनी है, आष्टाध्याय एंड देन क्रेटाइलस. सम करेक्टर्स आर्गू अबाउट द नेचर ऑफ द लैंग्वेज. इस बुक के अंदर दो किरदार हैं जो आपस में जबान को डिस्कस कर रहे हैं, दो किरदार हैं, ठीक है. और वन ऑफ देम नेम्ड हर्मोजेनिस, हर्मोजेनिस आर्ग्यू दैट द लैंग्वेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल कन्वेंशंस. हर्मोजेनिस कहता है क्रेटाइलस बुक में प्लेटो लिख रहे हैं, दो किरदार आपस में जबान पे डिस्कस कर रहे हैं. एक कहता है कि लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल कन्वेंशंस, वो कहता है जबान क्या होती है, सोशल कन्वेंशंस की प्रोडक्ट है. दिस मीन्स दैट वी यूज द वर्ड डॉग फॉर ए फोर लेग्ड एनिमल ऑफ इट सर्टेन काइंड ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ एन आर्बिट्रेरी कन्वेंशन. सिर्फ ये आर्बिट्रेरीली, कोई लॉजिकल, कोई इसके अंदर इंट्रिंसिक कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि एक आर्बिट्रेरी कन्वेंशन है, सोशल कन्वेंशन है, एक एग्रीड फार्मूला है बस. वी कैन एग्री टू कॉल इट, फॉर एग्जाम्पल उर्दू में अगर तो कुत्ता, सग, कल्ब, इस तरह स्पाय और चाय और डिफरेंट जबानों में डॉग के लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं. नो मैटर व्हाट वी कॉल इट द साउंड्स वी प्रोड्यूस रेफर टू दिस एनिमल. इनमें से कोई भी साउंड हम कहें तो रेफर तो एनिमल को कर रहे हैं, उसी फोर लेग्ड एनिमल को. There is no necessary relationship between the sounds and the object. इसका मतलब है साउंड और ऑब्जेक्ट के अंदर
नेचुरल नेसेसरी रिलेशनशिप नहीं है. अगर होता तो हर जबान में एक ही वर्ड होता या एटलीस्ट मिलते जुलते होते. देर इज नो नेसेसरी रिलेशनशिप बिटवीन द साउंड एंड ऑब्जेक्ट. देर इज नोन एज द थियरी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द लैंग्वेज. इस थियरी, इस कंसेप्ट को हम कहेंगे आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द लैंग्वेज. आर द कन्वेंशनलिस्ट व्यू, इसके दो नाम होंगे, कन्वेंशनलिस्ट व्यू क्योंकि इसको कहा गया कि ये बेस्ड ऑन कन्वेंशन है, और आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है जो कि इसलिए आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द लैंग्वेज. ये जो होमोजेनीज जो आर्गू कर रहे हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द थियरी ऑफ द लैंग्वेज बींग एन एग्रीड अपॉन कन्वेंशन एंड आर्बिट्रेरी कोड. द ऑपोजिट व्यू आर्गूड बाय द क्रेटाइलस. अब दूसरा करेक्टर है क्रेटाइलस, बुक उसी के नाम पे है, जेन में रहे, किताब का नाम है क्रेटाइलस. क्रेटाइलस आगे से क्या कहते हैं, एंड द ऑब्जेक्ट्स दे रेफर टू हैव एन इंट्रेंसिक रिलेशनशिप. वो कहते हैं जो वर्ड और उसके ऑब्जेक्ट हैं जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके दरमियान एक इंट्रेंसिक रिलेशनशिप है. ये इसके अपोजिट व्यू है. And that there is some essential core meaning in the sounds we produce, which refer only to the certain objects in the world. यानी sounds के core meaning में और जो जिस चीज को वो refer कर रही है उसके दरमियान एक natural intrinsic relationship है. Socrates, the mouthpiece of the Plato, seems to incline to this view, though no final conclusion is reached. Okay, इस किताब में तो चलो ज्यादा final नहीं है, लेकिन किताब के title की selection हमें बता रही है और फिर ऑथर इंक्लाइंड है किस व्यू की तरफ, क्रेटाइलस की तरफ. तो वो दूसरा एक व्यू देते हैं कन्वेंशनलिस्ट या आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट से अगेंस्ट, और आगे चल के इसको कंसोलिडेट करता है दूसरा एक ऑथर. लेटर द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल आल्सो एग्रीड विद द दिस व्यू इन हिज एसे कॉल्ड, अरिस्टोटल का भी एक एसे जिसे आपने याद रखना है, डी इंटरप्रिटेशंस. ओके, the interpretation. This is also known as the essentialist or the naturalist view. वो भी consolidate करता है, argue करता है, second करता है इस point को कि essentialist point है, naturalist जो view है वो ठीक है, essentialist और conventionalist ये दो नजरियात हमारे सामने आते हैं कि word और sounds जो आपने कही हैं और जिस चीज को आप refer कर रहे हैं उनके दरमियान intrinsic relationship अगर आप मानते हैं कि वो है तो फिर आप essentialist हैं. अगर आप समझते हैं कि ये सोशल कन्वेंशन एक एग्रीड अपॉन फार्मूला है और कोई लॉजिकल साइंटिफिक तो नहीं, नेचुरल कहना चाहिए रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर आप कन्वेंशनलिस्ट व्यू रखते हैं. द डिबेट बिटवीन द कन्वेंशनलिस्ट एंड द नेचुरलिस्ट व्यूज परसिस्टेड थ्रू आउट द मिडिवल एज. इनफैक्ट फर्डिनेंड डी सासूर, हुम वी शैल डिस्कस लेटर, कंट्रीब्यूटेड टू इट. तो जो सोशल का कॉन्सेप्ट है वो इसी डिबेट को आगे बढ़ाता है, और हम देखते हैं आपने सोशर को, सासूर को, या इस तरह प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंटली इसको लोग, तो फर्डिनेंड डी सासूर ने जो पॉइंट उठाया वो इसी डिबेट को आगे बढ़ाया यहीं से, और कहा कि जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है. इन्होंने यही साबित किया अपने तजुर्बात के साथ. तो यहां से क्या आगे थोड़ा सा और पढ़ा जाए, या आप लोग थक चुके हैं मुझे जरा फीडबैक दे दें, अगर आप चाहते हैं तो हम थोड़ा सा और भी पढ़ सकते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करें. मैंने रट्टा आपको नहीं दिया बल्कि आपको बैकग्राउंड एक कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं. मैज इंफॉर्मेशन याद करना व्हाट कहलाता है, और इलम हासिल करना वाय का जवाब आपको मिल जाता है. जब हाउ और वाय का तो आपको फिर नॉलेज मिलता है, व्हाट का आंसर मिले तो सिर्फ रट्टा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है.